धन्यवाद। राष्ट्र की उन्नति के बारे में जिस मंत्रों में लिखा है, ऐसे मंत्रों की ध्वनि से पूरे वातावरण को पवित्र करके आइए हम सब साथ मिलकर परम पूज्य भाष्य द्वारा संचालित एवं अनुशासित श्री सांदीपनि विद्यानिकेतन पोरबंदर गुजरात में चल रही अभ्यास एवं अध्यात्म की प्रवृत्ति को साथ में मिलकर उन प्रवृत्तियों का दर्शन करें, तो 10 मिनट के लिए सब आंखें इधर लगाकर सांदीपनि का दर्शन करेंगे। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है सांदीपनि विद्यानिकेतन की डॉक्यूमेंट्री। ऑडियो किधर है?
सांदीपनि विद्या निकेतन में आपका स्वागत है। पोरबंदर के इस ऋषिकुल को शायद ही कोई ना पहचानता हो। वेद और कुरान के अभ्यास के लिए बनाई गई इस विद्या निकेतन में हर साल कई विद्यार्थी को संस्कृत भाषा में प्रावीण्य प्राप्त करवा के पूरे विश्व में धर्म और संस्कृति के प्रसार प्रचार तथा सेवा के लिए भेजा है। इक्कीसवीं सदी के प्रारंभी कृष्ण सखा श्री सुदामा की भूमि पोरबंदर को पूज्य भाईशी ने कर्म भूमि बनाकर यहाँ पर सांदीपनि विद्या निकेतन का सृजन करके इस भूमि को उसका प्राचीन गौरव वापस दिलाया है। श्रीमद् भागवत को समर्पित पूज्य भाईशी ने सांदीपनि में गुरुकुल की संरचना से ही संतोष नहीं माना। समय समय पर इसकी गतिविधि एवं विकास का चिंतन करने हेतु यहाँ स्वयं उपस्थित होकर प्रेरणा भी देते हैं। ऋषिकुल की संस्कृत पाठशाला के शिष्यों से मिलन हेतु आप आते ही रहते हैं और सबको प्रेरणा पीयूष का पान कराते हैं। सांदीपनि ऋषिकुल के बाद अंग्रेजी माध्यम में केजी से लेकर हाईस्कूल तक का गुरुकुल तैयार किया गया है। बचपन में पूज्य भाईशी का सपना था डॉक्टर चिकित्सक बनने का, किंतु ईश्वर इस स्वप्न से संतुष्ट या सम्मत नहीं रहे शायद, क्योंकि डॉक्टर तो दुनिया भर से मिलने वाले ही थे, किंतु परमात्मा ने विश्व को एक महान कथाकार की भेंट देना चाहती थी। अतः इस हेतु पूज्य भाईशी का जन्म हुआ। बचपन के अपने डॉक्टरी स्वप्न को नई पीढ़ी में साकार देखने हेतु यहाँ के अंग्रेजी माध्यम युक्त विज्ञान शाला की लेबोरेटरी में जाकर अपने श्वेत श्याम स्वप्न को रंगीन और संगीन होता देखते ही ऋषिकुल और गुरुकुल की इस कड़ी में इस साल पूज्य भाईशी द्वारा गुरुकुल में अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ गुजराती माध्यम का भी प्रारंभ किया गया। अंग्रेजी माध्यम शाला के साथ साथ गुजराती माध्यम शाला का स्वप्न पूज्य भाईशी ने 2006 में देखा था, जो 2012 के 20 जून के दिन संपन्न हुआ। श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका से लेकर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जिसका नामोल्लेख सबसे पहले किया जाता है वो भगवान सोमनाथ के मंदिर तक का समुद्र किनारा इतिहास की गाथाओं को अपने में संजोए बैठा है। द्वारिका और सोमनाथ के मध्य में बसा है सुदामापुरी पोरबंदर, और पोरबंदर श्रीहरि मंदिर के निर्माण के साथ ही अर्वाचीन तीर्थस्थल का गौरव प्राप्त करके लाखों भाविकों की श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। सांदीपनि श्रीहरि मंदिर सिर्फ उसकी विशालता के कारण नहीं, किंतु उसकी स्थापत्य रचना के कारण भी मोहक लगता है। सांदीपनि विद्या निकेतन के संकुल में स्थित श्रीहरि मंदिर 5 शिखर धारण करके दिव्य और भव्य अनुभूति का एहसास कराता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही हम किसी तीर्थ स्थल में प्रवेश कर रहे हूँ ऐसी अनुभूति सबको होती है। इस मंदिर समूह में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधा कृष्ण जी, श्री रामचंद्र परिवार, श्री अम्बा माता जी, श्री परिवार, श्री हनुमान जी महाराज तथा श्री गणेश जी महाराज की मूर्तियों के समक्ष नित्य नियमित पूजा अर्चन और
आरती लेते हैं। आइए अब चलते हैं इस साल की कथा दर्शन के लिए। इस साल की कथाओं में पूज्य भाई शिवद्वारा अपनी जन्मस्थली देवका में श्रीमद भगवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश के हजारों श्रोताओं ने भाग लिया और अपने जीवन को धन्य बनाया। प्रस्तुत कथा का आयोजन देवका में देवका और आसपास के विस्तार के लिए देवका विद्यापीठ का जो निर्माण हुआ उसे के लोकार्पण हेतु किया गया। इस सदी के प्रारंभ में आए विनाशकारी भूकंप में देवका की स्कूल धराशायी हो गई थी। उस वक्त पूज्य भाईश की प्रेरणा से और भागवत कथा के प्रसादी के रूप एक स्कूल का निर्माण किया गया, जहां पर कक्षा 7 तक की शिक्षा दी जाती है। बाद में मुझे भाईशी द्वारा बच्चों की और खास करके बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए देवका विद्यापीठ के नाम से विद्या संकुल बनाने का निर्णय किया गया। देवका विद्यापीठ 25 एकड़ के विशाल भूमि में बनाया गया है, जहां पर प्रार्थना मंदिर, क्लासरूम, प्रयोगशाला, क्रीडांगण और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। इसी कथा के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के करकंभों से दिनांक 16 मई 2012 के दिन लोकार्पण किया गया। नरेंद्र भाई मोदी ने देवका विद्यापीठ का निरीक्षण किया और अपने वक्तव्य में कहा, आ धरती पर इमारत तो भव्य बनी छे, पर काम दिव्य थई रह्युं छे। अने एटला माटे पूज्य भाईजी नमनना तो अधिकारी छे, पण आज अभिनंदनना पण अधिकारी छे। ये संपन्न थयो दिनांक 21 जून को पूज्य भाईशी के आशीर्वाद के साथ देवका विद्यापीठ में छात्रों को स्कूल प्रवेश करवाया गया। गुजरात के डांग जिले में था के दी जगमगाने लगे। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर पूज्य भाईशी की भाव वंदना करने का सौभाग्य इस वर्ष अहमदाबाद गुजरात के निवासी श्री रितेश भाई प्रहलाद भाई ठकरार परिवार को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन्होंने गुरु वंदना का सौभाग्य लिया। I'm
सांदीपनी के ऋषि कुमारों ने, गुरुजनों ने, ट्रस्टी मंडल के सदस्यों ने, वैश्विक संस्कृति परिवार के भाई बहनों तथा देश विदेश से पधारे भाविक वृंद ने श्रद्धा भक्ति सहित शालीन वातावरण में भाव पूजन में भाग लिया। हम सबने ज्ञानार्थ प्रवेशः सेवार्थ प्रस्थानम्, जिनका मुख्य उद्देश्य है ऐसे सांदीपनी का दर्शन किया और उसके साथ साथ पूज्य भाईश्री की स्वप्न भूमि, उनकी जन्म भूमि देवका में बनी हुई देवका विद्यापीठ का भी दर्शन किया। और जहाँ पर ज्ञान ही मुख्य है, हम सब कहते हैं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो उस ज्ञान के स्वरूप दीपक, वेद में शास्त्र में दीपक को ज्ञान का स्वरूप बताया है, गुरु का स्वरूप बताया है। तो इस कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं संत वृंदों के श्री चरणों में प्रणाम के साथ विनती करता हूँ कि वह मंच पर आए और दीप प्रागट्य से हमारे हृदय में, हमारे मन में ज्ञान को प्रज्वलित करें। तो मैं सबसे पहले पूज्य भाईश्री को नम्र निवेदन करता हूँ कि वह
मंच पर समुपस्थित हो, और साथ में सभी संत वृंद को नम्र निवेदन है कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आयोजकों को मैं निवेदन करता हूं कि वह संत वृंद को सप्रेम स्टेज पर ले आए। हम वेद के पाठ द्वारा वेद घोष से संतों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे ओम मा सहस्र शेख पुरुखा सहस्राक्ष सहस्र पात सभूमिगो सर्वतस्पृतवा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदगो सर्वं जगभूतं जच्च भाव्यं भूतामृतवश्ये सानो जनन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो वेद घोष मंगल वेद पाठ के साथ इस संत समारोह का प्रारंभ हुआ है। हम तालियों के साथ इस शुभ घड़ी को हमारे हृदयस्थ करें। के जय का अवसर है और जीवन की सबसे धन्य घड़ी है कि विश्व वंदनीय संत वृंद हमारे बीच समुपस्थित हुए हैं। वह अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। यह हमारे लिए अलौकिक दृश्य है क्योंकि संपूर्ण विश्व में जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाकर रखा है, हमारे सिद्धांत, हमारा धर्म काफी अड़चन आते हुए भी जिन लोगों के परम सानिध्य से आज पूरे विश्व में हमारा धर्म प्रस्थापित है, ऐसे संत महात्मा हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और दीप प्रागट्य हुआ, दीप से हमारे अज्ञान का अंधकार दूर हुआ, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई और उस ज्योत को प्रज्वलित करने वाले को हम गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरुजन हमारे बीच उपस्थित है तो इन लोगों का स्वागत करना यह हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं श्री ईश्वरी प्रसाद टाटिया जी को निवेदन करता हूं कि वे स्टेज पर आए और परम पूज्य भाईश्री को माल्यार्पण करें, साल ओढ़ाए और श्रीफल देकर उनका हार्दिक स्वागत करें, क्योंकि हमारा जीवन इस संत वृंद की और इन संतों के आशीर्वाद से चल रहा है। जब जब हमारे मन में कुछ ना कुछ संशय होता है, मैं
श्री ईश्वरी प्रसाद टाटिया जी को निवेदन करता हूँ कि वो माल्यार्पण ईश्वरी प्रसाद ताटिया जी को निवेदन करता हूँ कि वे भाईश्री को माल्यार्पण करें, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन में हम लोग 16 श्रृंगार सजते हैं, तो आज वैसे परम पूज्य भाईश्री को भी जी गुरु शरणानंद जी के द्वारा हम परम पूज्य भाईश्री को माल्यार्पण है। संत के द्वारा संत का पूजन यह हमारी परंपरा है। काफी तालियों से हम इस प्रसंग को अपने हृदयस्थ करें। कृष्ण कथा जिन्होंने पूरे विश्व में प्रस्थापित की, श्रीमद् भागवत में जिनका एक अनन्य स्थान है, जिनके द्वारा प्रस्थापित शांतिपनि विद्या निकेतन जो अभी संस्कृत संस्कार और संस्कृति को टिकाए हुए हैं, और जिनके कारण आज पूरा विश्व श्रीमद् भागवत का दर्शन कर रहा है, और केवल उनकी वजह से आज हमारा संस्कार हमारी संस्कृति को याद करके हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे परम पूज्य भाई श्री सदगुरुदेव श्री रमेश भाई ओझा के जन्मदिन पर संत वृंद द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हो रहा है, तो हम भी तालियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत करें, क्योंकि कुछ न दे सके फिर भी हमारा आंतरिक स्नेह, हमारा हृदय का प्रेम ही उनके लिए काफी है। पूज्य भाईश्री का स्वागत हुआ, अब मैं श्री गुरु शरणानंद जी का स्वागत करने के लिए श्री श्याम कुमार अग्रवाल जी को निवेदन करता हूँ कि वे आए और गुरु शरणानंद जी का स्वागत करें, उन्हें माल्यार्पण करें, उन्हें शाल ओढ़ाए और श्रीफल देकर उनको प्रणाम करें। उसके बाद ब्रह्मचारी जी महाराज का स्वागत करने के लिए मैं रविंद्र चमड़िया को निवेदन करता हूँ कि वे स्टेज पर आए। जिनको पूरा विश्व प्रणाम करता है वे आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और यथोचित हमारा स्वागत स्वीकार रहे हैं, तो ये हमारे लिए जीवन की सबसे धन्य पल मानी जाएगी। और अब मैं परम पूज्य महामंडलेश्वर वियोगानंद जी महाराज का स्वागत करने के लिए श्री रामकृष्ण जी अग्रवाल को निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ पर आए और वियोगानंद जी महाराज का हार्दिक भाव पूजन करें। हम और कुछ तो दे नहीं सकते, केवल पुष्प देकर ही उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, क्योंकि देने वाले तो वे हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें मार्ग देते हैं, हमारा जीवन कहीं पे चला जाए, हमारा जीवन सन्मार्ग पे रहे, तो वो काम तो वो करते हैं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, फिर भी यथोचित हमारे पास जो है उसको हम भाव बनाकर संतों के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि भावे ही विद्यते देवो तस्माद् भावो ही कारणम। तो इस
भाव प्रधान पूजन के द्वारा हम आगे बढ़े तो परम पूज्य श्री गिरीशानंद जी महाराज का स्वागत करने के लिए मैं मानीराम जी गुप्ता को निवेदन करता हूं कि वे स्टेज पर आए और परम पूज्य श्री गिरीशानंद जी महाराज का हार्दिक स्वागत करें। अब श्री मानीराम जी गुप्ता मानाराम जी गुप्ता श्री गिरीशानंद जी महाराज का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। ये सभी जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं इनके बारे में कहना ये कुछ कम है, क्योंकि जो बोल रहे हैं ये इनकी बदौलत है, जो देख रहे हैं ये इनकी बदौलत है, लेकिन फिर भी हमारा भाव ही महान है। और अब मैं परम पूज्य महंत श्री गणेश दास जी महाराज का स्वागत करने के लिए श्री विश्वनाथ जी सक्सरिया को बुलाता हूँ कि वे स्टेज पे आए और महंत श्री गणेश दास जी महाराज का भाव पूजन करें। और आखिर में श्रीमती कृष्णा मिश्रा का भाव पूजन करने के लिए मैं कुमारी अदिति भिवानी वाला को निवेदन करता हूं कि वे जाए और श्रीमती कृष्णा मिश्रा का हार्दिक स्वागत करें। यह हमारे लिए जैसे भगवान कृष्णम वंदे जगतगुरुम है और उस जगतगुरु के जन्मदिन को हम मनाते हैं, तो वैसे हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य भाई श्री भी विश्व वंदनीय है, तो उनके जन्मदिन को भी हम मना रहे हैं। अब ये हमारा स्वागत, हमारी स्वागत विधि यहाँ पे संपूर्ण होती है। तो अब मैं राजू भाई दास को निवेदन करता हूँ कि वे अपने हमने यथोचित स्वागत किया, तो अब मैं राजू दास भाई को निवेदन करता हूँ कि वे अपने सुरों से आए हुए संत वृंद का हार्दिक स्वागत करें। श्री राजू भाई दास चाहूंगा। अभी अब और इसी बीच महामंडलेश्वर श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो उनका हम तालियों से हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनके ज्ञान का और परम पूज्य भाईश्री के प्रति उनके भाव का दर्शन तो हम कल कर चुके हैं। ऐसे वयोवृद्ध ज्ञानोवृद्ध हमारे सद्गुरुदेव श्री महामंडलेश्वर सत्यमित्रानंद स्वामी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी स्वागत प्रणाली में मैं देवी प्रसाद जी को निवेदन करता हूं कि वे उन्हें माल्यार्पण करें, शॉल ओढ़ाए। देवी प्रसाद जी को नम्र निवेदन करता हूं कि वे उन्हें माल्यार्पण करें, शॉल ओढ़ाए और श्रीफल देकर उनका
हार्दिक स्वागत करें। रामचरितमानस में तुलसी जी ने लिखा है, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। आज ऐसे संत महापुरुष हमारे बीच उपस्थित है तो सच में भगवान श्री हरि की, श्री बाल कृष्ण की, ठाकुर जी की हमारे पर कृपा बरस रही है। माँ काली की कृपा है कि इस कलकत्ता में ऐसे महापुरुष हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच सत्य मित्रानंद जी का स्वागत हो रहा है, श्री देवी प्रसाद जी उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। अब यथोचित अब भाव पूजन के बाद सुरों के द्वारा हम आए हुए पधारे हुए महापुरुषों का पूजन करें, तो मैं राजू भाई से निवेदन करता हूं कि वे अपने सुरों से महापुरुषों का स्वागत करें। सकल लोग मां सोने
मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन को तेने कहिए जो तीर पराए की तार बोले
जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो सांसों की तार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। अब तो उस मन के मंदिर में, अब तो उस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो उस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा छुटा, जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का तेरा। मन की मुरली आवे, सिंगार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम।